नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। आज मैं किसी नेताओं पर चर्चा नहीं करूंगा और अभी जो टाइम है 7 बज रहा है, मैं एक सुनसान जगह पर बैठकर ये वीडियो बना रहा हूं। आज मैं जो है दुर्गा पूजा पर बात करूंगा। दुर्गा पूजा मनाया क्यों जाता है? अब हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, अच्छी बात है, लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, इसमें उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसमें जो है एक गलत प्रथा है, बलि का प्रथा, जो सारे लोग बलि देते हैं, अपने बेटा को बचाने के लिए दूसरे बेटा को बलि दे देते हैं। और इस चीज़ को विचार करना चाहिए, लोगों को इस पर विचार नहीं करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। और मैंने बहुत बड़े बड़े वक्ता को सुना है, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा अनिरुद्धाचार्य जी, उसने भी इसका विरोध किया है, प्रशांत आचार्य जी है, उसने भी इसका विरोध किया, और बागेश्वर धाम वाले बाबा ने विरोध किया है। भैया इस बात को बोल रहे हो, पास इनका पूरा ज्ञान है, वो सारे लोग विरोध कर रहा है, लेकिन गांव में ज्यादातर जो है लोग अपने बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, अगर बलि देना है तो एक नारियल लीजिए, नारियल पर जिस चीज के लिए आप बलि दे रहे हैं उस पर एक पर्ची लिख दीजिए, नारियल को फोड़ कर आप बलि दे सकते हैं। लेकिन रात में भी देखे हैं कि हर गांव में देखते हैं दुर्गा पूजा में जो है बलि दिया जाता है, गाय को, गांव में तो नहीं, कहीं कहीं बंद भी हो गया है, बहुत सारे मंदिर में जो है बंद हो गया है, बड़े बड़े मंदिर में बंद हो गया है, लेकिन गांव के गांव स्तर पर जो गांव में दुर्गा पूजा होता है वहां बलि दिया जाता है। बलि क्या है? अपने बेटा को बचाने के लिए दूसरे बेटा को बलि दे देते हैं, और जो पटवा काटता है उनको एक रत्ती मुंह ममता नहीं होता। एक दिन उनको वही, आप लोगों कथा में सुना होगा कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य में जन्म होता है, और सबसे अगर बुद्धिजीवी लोग है तो वो इंसान होता है, जानवर एक दूसरे जानवर को मारकर खा जाते हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, बिल्कुल वो लोग इसलिए वो काम करते हैं। अगर सबसे अगर कोई भी पवित्र चीज है, लोग समझदार है, तो वो इंसान है, लेकिन इंसान भी जानवर से भी एक खतरनाक जानवर काम करते हैं, बेहतर है, बेहतर है, वो भी समझना नहीं चाहते, नहीं चाहता है, और लोग बलि देते हैं, पटवा को काट देते हैं, हजारों संख्या में पटवा को काटते हैं। लेकिन मंदिर क्या, मंदिर जो है एक पवित्र स्थान है जहाँ हम लोगों को प्रेम भाव सिखाया जाता और है, वहाँ हम जीवों को काटते हैं, और उस मंदिर में ब्राह्मण, खास करके जो है ब्राह्मण लोगों ने ये बलि दिलवाता है, और लोग शूद्रों से ये बलि दिलवाता है, और उनका धर्म को विनाश करने का एक पात्र बना दिया, विनाश करने का कार्य करता है, और ऐसे चीजों पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए, बिल्कुल रोक लगना चाहिए। जैसे कि देखिए, हम एक लड़का है, अगर हम मेरे आवाज उठाने से नहीं होगा, मेरे जैसे कम से कम हजारों युवा जब हर गांव में तैयार हो जाएंगे तो ये चीज खत्म हो सकता है। लेकिन आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, भागवत गीता को देख लीजिए, विष्णु पुराण देखिए, बहुत सारे ऐसे गरुड़ पुराण में देखिए, कहीं भी किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि आप बलि मंदिर में बलि दे सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में अभी भी अज्ञानता लोग हैं जो बलि देते हैं, अगर कोई करा विरोध भी करता है उनको दबाने का प्रयास करते हैं। और देख सकते हैं कि गूगल की स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा, बलि हिंदू धर्म में, गूगल पे पहले गूगल पे आप सर्च करके देख लीजिएगा, कहीं भी किसी जगह ये बलि का विरोध किया गया है। गूगल पर भी सर्च कीजिए, किताबों को पढ़िए, भागवत को पढ़िए, विष्णु पुराण को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, कहीं भी बलि का ये जिक्र नहीं है, करा लोग विरोध करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ब्राह्मण का है, क्योंकि बलि जब पढ़ते हैं, प्लास करते हैं, तो ब्राह्मण को दक्षिणा दिया जाता है। अगर एक गांव में मान लिया जाए कि एक गांव में 40 पठा 50 बकरे को काटा जाता है, तो उसमें 100 रुपया ब्राह्मण को दक्षिणा दिया जाता है, और सबसे ज्यादा इस बलि में जो योगदान है उस ब्राह्मण का है, और ब्राह्मण लोगों का मैं कड़ा विरोध करता हूँ। और समाज को भी मैं बताना चाहता हूँ कि बलि मत दीजिए, मंदिर एक पवित्र स्थान है, वहाँ बलि नहीं पड़ना चाहिए। बलि देना है, अगर खून का बलि देना है तो आप अपना उंगली काट के चढ़ा दीजिए, अपना सर काट के चढ़ा दीजिए। रावण जो था उसने अपना सर काट के बाबा भोले को चढ़ाते थे। अगर बलि देना है तो अपने आप को बलि दे दीजिए, और अपने बुद्धि को बलि दीजिए, जो आपके बीच में अहंकार है उनको बलि दीजिए, ना कि एक निमोहा धन को जो नहीं बोल पाता है, और 5 लोग मिलकर पकड़ के मायका में देकर उसको काट देते हैं, और बड़ा निर्दयी के साथ ये काम करता है, किया जाता है। अब ये भी बहुत सारे जो हिंदू धर्म के ठेकेदार है, जो अयोध्या लोग है, वो बोलेंगे कि मुस्लिम भी बकरा देते। अरे भैया, मुस्लिम आतंकवाद भी करता है, मुस्लिम चोर है, नंगा है, उससे हमको मतलब नहीं है। अपने आप को तो सुधारना चाहिए, आप विचार करना चाहिए, लोगों को बलि नहीं देना चाहिए। बहुत सारे पहली बात तो ये है कि आप दूसरे धर्मों को, लोगों को कहने से कुछ पहले खुद को अच्छा साबित कीजिए,
हिंदू धर्म में हमारा हिंदू धर्म अहिंसा का धर्म है, अहिंसा का पुजारी है, प्रेम भाव सिखाता है, एक दूसरे से प्रेम सिखाता है, ना कि एक दूसरे को मर्डर किया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में जो है पवित्र काली माँ के मंदिर में, दुर्गा माँ के मंदिर में पटवा काटा जाता है, भैंसा काटा जाता है। अरे भैया क्यों काटते हैं? अगर काटना है तो अपने बच्चा, किसी एगो इंसान बच्चा को काट के देखिए, देखिए आपको किस तरह से वो बता देते हैं। दुर्गा माँ ये नहीं कहता है कि आप बलि दीजिए, वो नहीं कुछ बोलता है, नहीं कुछ करता है, आपका प्रेम भाव है, बलि मत देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इतिहास है, आप सर्च करके देखिए, किताबों को पढ़िए, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से पूछिए, और वो लोग कहते हैं कि बलि नहीं देना चाहिए, लोग फिर भी नहीं मानते, बलि दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका क्या विचार है, क्या बलि मंदिर में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, आप कमेंट में आप लोग बताइए। मैं फिर अगले वीडियो में इसी मुद्दे पर लेकर आपके बीच आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।